पिज्जा गर्म तो नहीं है भाई साहब, आपने गलत जगह रखा हुआ है। नाइस, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग, मजा आ रहा है जिंदगी? बैचो मंडे को चुटकुले सुनने तुमको है। हमें नहीं पता था इतनी भीड़ आएगी। कोरोना का हाल क्या कर दिया तुमने दिल्ली वाले, ये भैंसों कोरोना के ऊपर से निकल गए। हमारे कानपुर में तो एक लौंडे को वैक्सीन बोल के रुपजा का इंजेक्शन लगा दिया। उसको कोरोना पता नहीं, उसकी शुगर 400 हो गई, पगला गए। आपको वीडियो लेनी है मैम, मेरी आंख खींचे प्लीज। हाँ हाँ लो, और बताओ। आप 6000 रुपये तो मैं पोल डांस करूंगा। I'm born after 3 sisters. अगर आप 3 महीनों के बाद पैदा होते हो ना, क्या करके? ये कौन सी औरत थी? ये तो वो सब टीवी का करेक्टर नहीं है कोई, ये बाबू जी। क्या गले में जलता हुआ कोयला रख लिया क्या? बतक बैठी हुई है। मैं 3 महीनों के बाद पैदा हुआ हूं। अगर आप 3 महीनों के बाद पैदा होते हो ना, इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि मैं इस दुनिया में प्यार की वजह से नहीं आया। है कि नहीं? है ना, अपने माँ बाप की जरूरत ही तो धाम है। क्या चुड़ैले आ रखी हैं? तेरे बॉयफ्रेंड की तो फटी रहती होगी, आधी रात को उठा बेबी 21। तीन महीनों के बाद पैदा हूं। मेरे बाप मुझे अक्सर कहते हैं कि हर्ष बेटा मैंने कभी जिंदगी में हार नहीं मानी। मैंने, मुझे पता है पापा, मैं ही तो आपकी जीत हूं। अगर आप 3 महीनों के बाद पैदा होते हो तो आपका कंपटीशन घर पे लड़कियों से है ना, और लड़कियों से आज के टाइम पे आप कंपीट कर नहीं सकते, क्योंकि लड़कियां पैदा हो रही हैं डेलिकेट, सोफिस्टिकेटेड, इंटेलिजेंट हैं, और लौंडे पैदा हो रहे हैं लुच्चे। ये पैंचल लफंगी कौम है, हैं? आप देखो, लड़की जब पैदा होती है तो डॉक्टर तौलिए में लपेट के लाता है कि बहन जी अगर अच्छा डॉक्टर हो, इंचार्ज होती हो तो। डॉक्टर तौलिए में लपेट के लाता है कि बहन जी ध्यान से, लक्ष्मी हुई है प्लीज ध्यान से पकड़िएगा। ध्यान जब तक पकड़ा नहीं देता पूछता रहता है। लौंडों को तौलिया तो पैदा होता ही नसीब नहीं है, यूं खींचता है डॉक्टर, यूं दोनों टांगों से नंगा पकड़ा हुआ और गांड पे मारता हूं कि चल पैन चल, चल तुझे आगे चल के फेमिनिज्म सीखना चल। मैंने जिंदगी में कोई लड़की नहीं देखी जो 5 सब्जेक्ट में स्कूल में फेल हो जाती हो। पी ही नहीं, लौंडे हमारे साथ ऐसे ऐसे थे कानपुर में, बाई गॉड 5 सब्जेक्ट में तो उनका बनता था फेल होना, उसके अलावा ड्रॉइंग, क्राफ्ट, ये उल्लू के पट्टे इन्वायरमेंटल स्टडीज में फेल हो रहे हैं। इन हराम जादों से पेड़ की फोटो नहीं पहचानी जा रही। मेरे साथ का एक लौंडा पेड़ के नीचे कैट लिख के आ गया और टीचर से बकचोदी कर रहा, टीचर कह रही बिल्ली क्या कर रही पेड़ के नीचे, कह रहा छांव में बैठी, तुम्हें दिक्कत है? इतनी महंगाई बढ़ रही थी, मेरे बाप परेशान थे। मैंने कहा गुजराल साहब तुमने इतनी महंगाई में 4 बच्चे क्यों कर लिए? तो मेरे बाप कह रहे ऐसा है, जब हम कर रहे थे तब इतनी महंगाई नहीं थी। मैंने कहा अच्छा, सेंसेक्स की उछाल के हिसाब से हमारे घर पे मूड बन रहा था कि भाग्यवान सुनती हो आज गोल्ड का रेट बहुत डाउन है। मैंने कहा आपने सही नहीं किया 4 बच्चे करके, कह रहे तुम्हारी वजह से ये 3 बहनें पैदा हुई हैं, तुम्हें लाने के चक्कर में। मेरी वजह से? मैं तो था भी नहीं मार्केट में, मैं तो खुद बहुत लेट पहुंचा मार्केट में, इंजॉयमेंट का सारा इल्जाम हमारे सर पे डाल दिया। मैंने कहा मेरी क्या गलती है? पापा कह रहे तुम पहले आ जाते तो ये 3 तो ना होती, पहले आ जाता तो मम्मी के पेट के अंदर छुप के बैठा हुआ था, या पेट के अंदर कोई स्पर्मों की रेस चल रही थी जिसमें मैं जो बहनों वाले तेज भाग रहे थे, हम जान मुझ के लंगड़ा रहे थे। आप बाहर से बुलाते आ जाओ, मैं अंदर से मना कर रहा था नहीं मेरा मन नहीं है, पहले किसी से कहो अंदर पिज्जा दे के जाए।
मेरी क्या गलती है? कह रहे हर आज तो बाप से जवान लगा रहा है, लेकिन बचपन में मन्नतें मांगी है तब जाके तू पैदा हुआ है। और मुझे बचपन में लगने लगा था कि हम सब मन्नतों से ही आ रहे हैं, शाम को मन्नत मांगी सुबह बच्चा डिलीवर। लेकिन अब बड़े हो गया पता लग गया है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस भी कोई चीज है। तो अब हमारे बाप हमें डांट नहीं सकते, क्योंकि वो कभी भी डांटते ना कि हर बाप से जवान मत लड़ा बेटा, बचपन में मन्नतें मांगी है तब जाके तू पैदा। मैं बीच में ही रोक देता हूँ कि पापा माफ करना, लेकिन उसे मन्नत नहीं कहते। और अगर कहते भी तो आपने फिर उस दिन मुझे इतनी तेज चाटा के मारा जब आपने मुझे रंगे हाथों मन्नतें मांग के पकड़ लिया था। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मेरे बाप बीच मन्नत याद में कान पकड़े उठा दिए, मेरी मन्नत नहीं पूरी होने दी। लोग कहते हैं आप तीन महीनों के बाद पैदा होते हो तो आप घर के लाडले होते हो, कोई लाडले नहीं होते, सिर्फ हैरेसमेंट होता है लड़कों का। हाँ सही बता रहा हूँ, सिर्फ हैरेसमेंट होता है। इतना ज्यादा हुआ मेरा कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए 5-6 साल की उम्र तक लड़कों वाले कपड़े तक नहीं खरीदे। मैं जब भी कहता था मम्मी कपड़े, तो कहती थी ये बहनों की फ्रॉक है पहन के चलो। तो मैं कहता था ये, तो कहती थी हाँ अभी कौन सा पता लग रहा है। जो पता नहीं लग रहा तो जमीन बेच दे क्या, लड़कों का आत्म सम्मान कोई चीज नहीं होती। कह रही तुम्हारी बहन देखो पिंक फ्रॉक में कैसी डॉल जैसी लगती, वो सुंदर थी लगती थी, मैंने पहली बार पिंक फ्रॉक पहनी, मैं बहन डॉल लग रहा था। ऐसे बेबुनियादी सा बच्चा नहीं होता कि ऐसे मन करे हाथ में डाल छोड़ दो बहन चाहे कि ठां बजे जमीन पे। हमारे घर में ना एक मास्टर जी तीनों बहनों को डांस सिखाने आते थे, नृत्य होता है ना, है? और मैं छोटा था, मैं बगल में फ्रॉक पहन के बैठा रहता था। तो एक दिन मास्टर जी ऐसे करते करते बिदक गए, मेरी मम्मी से कह रही ये चौथी वाली को क्यों नहीं डांस सिखाती हो, ये पूरा दुनिया कोने में बैठ के लॉलीपॉप चूसती है। तो मेरी माँ ने मुझे डिफेंड पता कैसे किया, कह रहे नहीं नहीं मास्टर जी आप गलत समझ रहे हैं, आपको गलत लग रहा है, मेरी फ्रॉक उठा दी, ये तो लड़का है। ये कोई तरीका घर के इकलौते बेटे को इंट्रोड्यूस करने का? इसीलिए बचपन में नंगे पैर मंदिर जाते थे कि बेटे को ही नंगा कर दो। तो मास्टर जी ऐसे 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 कर रहे थे, ऐसे रह गए, पता नहीं कुतुब मीनार दिख गया था हमको, क्या हुआ मुझे नहीं पता क्या हुआ था। वन पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लाइफ में लगने लगा था कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का ये तरीका है कि जैसे ही बोले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तो माय नेम इज हर्षराज। हाँ क्योंकि मैं स्कूल गया, स्कूल में हमारे फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन था और माँ ने मेरी सिंड्रेला बना के भेजा, और टीचर कह रही सब बच्चे जब एक एक करके स्टेज पे आएंगे तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। मैंने कहा टीचर सबके सामने, कह रही तुमको नहीं आता, मैंने कहा बिल्कुल आता है, कह रही एक बार करके दिखाओगे, मैंने कहा माय नेम इज हर्षराज। टीचर ही हो गई, कुतुब मीनार रिपीट हो रहा है। भरी हुई औरत थी, क्या गारंटी है कुतुब मीनार ही हो, है? क्या गारंटी है कुतुब मीनार ही हो। तुम्हारे साथ यार राजपाल यादव चल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि तुम वैसे भी हम मूंगफलियों से बात नहीं करते। मैंने इतनी बकचोद ऑडियंस कभी नहीं देखी है। ये पहला शो है जो औरतें बकचोद आ रखी है। भाई साहब आप तो सच में लग गए, कह रहा है हमारी जनरेशन कहां जा रही है। मुझे फ्रॉक पहन के क्रिकेट खेलने भेज देते थे ये लोग, पर यूपी के लड़के इतने हरामी है ना, मैं जैसे ही पहुंचता था मैदान में कहते थे विकेट कीपर बनो।
इतने बड़े विकेट कीपिंग ग्लव्स पहन के मैं यूं बैठा हूं वहां पे, वो भागता हुआ बॉलर आ रहा है, वो रुक जा रहा, हमसे गेंद निकाली जा रही भाई, अंपायर यू की जगह यू खड़ा किया, आउट है, मैं तो कह रहा हूं इन है। हाँ मैं कह रहा हूं अंपायर से मैं बैटिंग करूंगा या बॉलिंग, कह रहे तुम नाचोगी हर चौके के बाद कथक करोगी तुम। हाँ आपकी तीन छोड़ो, आपकी एक भी बहन हो आपके ऊपर प्रेशर होता है, एक भी बहन हो। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बचपन में 1 रुपया मांगता था चिंगम खाने के लिए, मेरी माँ कहती थी हर्ष बेटा बहनों की शादी करनी, बेटा पैसे बचाओ दहेज इकट्ठा करना है। और मैं सोचता था ये कौन से लड़के वाले हैं जो दहेज में बूम बूम बूमर मांग रहे हैं। ये कौन चूतिया दूल्हा है जो मेरी बहन को अल्पेलिवी के चक्कर में रिजेक्ट कर जा रहा है। हमने करी फिर बहनों की शादी, हमने तीनों कर दी, हम खुद ही इतना परेशान हो गए थे, बहुत परेशान हो जाते थे। मुझे लगता था वो सुंदर बहुत है, मैं सांवला सा हूँ। एक दिन मैं कमरे में घुसा, लॉक लगा, इनका मेकअप बॉक्स खोला, अंदर से क्रीम लगा के रगड़ लिया, मैंने कहा आज कोरा होके ही निकलूंगा। मैं बाहर निकला, मुंह धोया, बहन जो ये और ये दोनों गायब। शीशे में मैंने देखा मेरी ऐसी चीख निकल गई, मैं वो नॉर्मल चीख नहीं थी, डॉक्टर बुला के यहाँ चीरा मरवा के रखवाई, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं, मम्मी मुझे लोकल पार्लर लेगी, उसने मेरे यहाँ स्केच पेन से बना दी बहन, और गर्मियों में स्कूल में बैठे ये बह रही है। टीचर कह रही हर्ष बेटा तुम्हारी आईब्रोज कहाँ जा रही है, मैंने कहा सैर करने निकली है, तो परेशान वापस आ जाएंगे तुम्हें कुछ मंगवाना हो तो। हमने इसीलिए शादी कर दी, और हम हमारे बाप कहते तुम्हारी भी शादी करनी, तुम बड़े हो गए ये वो, हमने कहा नहीं करनी शादी मेरे को, कह रही नहीं मेरा एक दोस्त है उसकी बेटी ने तुम्हें पसंद कर लिया, कह रही मुझे चाहिए सस्ता विकी कौशल। मैं नहीं करूंगा, मेरे दिमाग में आइडिया ना, इनको मना कैसे करूंगा, वो देखने आने वाले थे शाम को, पूरी रात मैंने सोचा, सुबह मेरे को आइडिया है, मैंने मार्केट से अपने लिए एक फ्रॉक खरीदी। तो होने वाले समधी जी और उनकी बेटी बाहर बैठकर रसगुल्ला खा रहे थे, मैं अंदर हल्का हल्का टचअप ले रहा था। समधी जी ने बोला कि गुजराल साहब मुंह दिखाई का टाइम हो गया, बेटे को बुलाइए। जब मैं बाहर आया उन्होंने मुझे देखा, समधी जी के मुंह से रस अलग, भैंचो गुल्ला अलग, बेटी उनकी जमीन पे फटी हालत में। संदीप जी ने बोला कि गुजराल साहब ये कौन है, मैंने कहा पापा एक मिनट मैं बताऊंगा। माय नेम इज हर्ष गुजराल। तुम इमेजिन कर रहे हो क्या मेरे को ऐसे? तुम्हें रात को नींद नहीं आएगी मेरा सोच सोच के? मुझे डीएम कर मैं फोटो भेजूंगा। उसके बाद तुझे रात को ऐसी नींद आएगी। हल्के में ले रहे हमको बताइए, क्या करता है दोस्त? स्टूडेंट हूँ, बीबीए। एक लौंडा हमारे साथ बीबीए कर रहा है, उसको नींद नहीं आ रही, क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया, पीछे वालों असली बच्चो तुम हो, बहुत बढ़िया, बीटेक कर ले बेटा, मतलब बाप का पैसा दोबारा बर्बाद कर। बहुत पैसा है बाप के पास, अंधा पैसा बाप के पास। एज कितनी है तेरी? एज कितनी है तेरी? 19 साल। अंधा पैसा पापा के पास, लमसम 19 साल में कितना खर्चा किया होगा तेरे ऊपर? फिर आइडिया कुछ भी, 1 करोड़ रुपए। 19 साल पहले 5 रुपए यूज कर लेते हैं।